1948 में चीन के अंदर कम्युनिस्ट माओ जेडोंग तख्ता पलट कर देते हैं और चीन के राष्ट्रपति चेंग काई शेक जो एक राष्ट्रवादी नेता थे उनको भगा दिया जाता है और वह अपने कुछ वफादार लोगों के साथ ताइवान शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ ही वक्त में ताइवान अमेरिका की मदद से दुनिया के अमीर देशों में शामिल हो जाता है। माओ के इस जीत को पूरी दुनिया कम्युनिस्ट अपनी जीत मान रहे थे और भारतीय कम्युनिस्ट भी माओ से बहुत इंस्पायर्ड थे और उन्हें भगवान मानते थे। जब माओ ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारतीय कम्युनिस्ट उनके फैसले का समर्थन कर रहे थे और जब माओ ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया तब भी भारतीय कम्युनिस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ और माओ के समर्थन में खड़े थे। दरअसल कम्युनिस्ट चाहते थे कि भारत में भी चीन की तरह एक क्रांति आए और वह सत्ता पर लाल झंडा फहरा दें और पंडित नेहरू को कांग्रेस समेत सत्ता से बेदखल कर दें। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तेवर धीरे धीरे बदल गए थे, खासकर तब जब 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और जब वह कांग्रेस के दो हिस्से कर देती हैं। तब इंदिरा गांधी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सपोर्ट की खास जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सामने दो शर्तें रख दी। पहली शर्त थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1962 में की गई चीन की वह शर्मनाक हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करे और दूसरी शर्त यह थी कि वह भारत के पूरे समर्थन में रहे और वफादारी से अपना काम करें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यह दोनों शर्तें मान ली और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ कट्टर कम्युनिस्ट बैठे थे जो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जाए और चीन के खिलाफ बोला जाए। उन्होंने तब 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बंटवारा कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बट गई। एक बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो इंदिरा गांधी के साथ सरकार में बैठी थी और दूसरी बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो कट्टर कम्युनिस्ट निकले और चाइना के साथ समर्थन में थे। फिर आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट में बट गई जो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कट्टर थे और माओ जेडोंग को अपना आदर्श मानते थे और उसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ने नक्सलवाद की शुरुआत की। नक्सलवाद की शुरुआत दरअसल बंगाल के एक छोटे से गाँव नक्सलवाड़ी से हुई थी। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चारू मजूमदार और कानू सान्याल मिलकर चीन की तरह सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने प्लान बना रहे थे। उनका मकसद था कि चीन की ही तरह पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और माओ खुद बढ़ चढ़कर भारत के अंदर उनका सपोर्ट कर रहे थे। वे चोरी छिपे उन्हें हथियार बेचते थे, पैसे बेचते थे ताकि वे भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें। उस वक्त बंगाल में जमींदारी व्यवस्था पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई थी और अब भी बड़े बड़े जमींदार गरीब किसानों पर अन्याय करते थे और कई बड़े किसान जमींदार खुद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन गए थे तो पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकती थी। इसी वजह से नए नौजवान चारू मजूमदार और कानू सान्याल के पीछे पीछे चीन के राह पर चल पड़े और भारत में चीन की जैसी क्रांति लाने का सपना बुनने लग गए। धीरे धीरे नक्सलवादी आंदोलन बंगाल से निकलकर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैल गए और उस वक्त देश भर के सभी बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी और यह सभी राज्य गरीब थे और यहाँ पर भारत सरकार कोयला, लोहा वगैरह वगैरह जमीन से निकालती रहती थी और इन कोयला लोहा की माइनिंग के लिए सरकार को कई बार आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करना भी पड़ता था, जिससे नक्सलवादी आंदोलनों को और भी मौका मिल गया भोले भाले आदिवासी लोगों को सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर करने के लिए। देखते ही देखते नक्सलवादियों और पुलिस के बीच की हिंसा भयंकर रूप ले लेती है। कभी सरकार बड़े पैमाने पर नक्सलवादियों को मार डालती है तो कभी नक्सलवादी हल्का सा शक होने पर पूरे के पूरे गाँव जलाकर राख कर देते थे। इस पूरे खेल में नुकसान सिर्फ आम जनता उठाती थी। इस वक्त पर तो नक्सलवाद इस कदर बढ़ गया था कि 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इंडियन आर्मी को नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बुलाना पड़ा और जनरल सैम मानिकशॉ के कहने पर ऑपरेशन स्टेपल केस शुरू कर दिया गया, जिसके अंदर कई सौ करोड़ नक्सलवादी मारे गए और 20,000 नक्सलवादियों को कैद कर लिया गया और आगे चलकर 1972 में चारू मजूमदार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और टॉर्चर के दौरान उनकी मौत हो गई। भारत में अब तक आतंकवाद से जितनी मौतें हुई हैं उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा मौतें नक्सलवाद के कारण हुई हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के लिए नक्सलवाद बड़ी समस्या है या फिर आतंकवाद। हालांकि पिछले 20 सालों में नक्सलवाद में भारी कमी आई है और आज नक्सलवाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के जंगलों तक सीमित रह गया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब यह नक्सलवादी जंगल में रहते हैं तो इनके पास हथियार, खाना पीना और पैसे कहाँ से आते हैं? तो चलो आपके इस सवाल का भी जवाब हम आपको दे देते हैं।
दरअसल नक्सलवाद के लिए सबसे ज़्यादा पैसा उसी काम से आता है जिस काम के विरोध में नक्सलवाद लड़ता रहता है, यानी जो प्राइवेट कंपनीज उन जंगलों के अंदर खुदाई करती है और कोयला लोहा निकालती है, वही कंपनियां अपने पूरे मुनाफे का 3% उन नक्सलवादियों को दे देती है। इसे आप हफ्ता देना मान सकते हो, मुआवजा मान सकते हो, या फिर प्रोटेक्शन मनी मान सकते हो, जो आपका मन करे वो मानो। और यह सरकार को पता है, लेकिन ये पेमेंट करने की वजह से ही प्राइवेट कंपनीज शांति से माइनिंग कर पाती हैं, तो इसलिए कोई कुछ नहीं कहता हूँ। नक्सलवादियों की कमाई का दूसरा बड़ा साधन है अफीम, गांजा और चरस। दरअसल नक्सलवादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जंगलों में अफीम की खेती करते हैं और उसी अफीम को बेचकर वह लोग अपने लिए हथियार और पैसे जुगाड़ करते हैं। और तकरीबन पूरे नक्सलवाद की पूरी फंडिंग का 40% इसी ड्रग्स के धंधे से आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक 15-16 साल का बच्चा नक्सलवाद में शामिल हो जाता है। दरअसल ये समझना हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, तो हमने अपने बड़ों से पूछा या फिर थोड़ा सा हमने पढ़ा इसके बारे में, तो हमें पता चला इस पूरी पॉलिटिक्स का क्या है, कनेक्शन क्या है। दरअसल होता क्या है कि नक्सलवादी अपने जंगलों में सड़कें, स्कूल, रेलवे ट्रैक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह बनने नहीं देते। अब जब सड़क ही नहीं होगी, रेलवे ट्रैक ही नहीं होंगे, तो आम जनता तक सुविधा कैसे पहुंचेगी? जब सुविधाएं ही नहीं पहुंचेंगी, तो वहां पर कोई डॉक्टर कैसे नौकरी कर पाएगा, कोई टीचर कैसे पढ़ाएगी? जब ये टीचर और डॉक्टर उस इलाके में नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ पर शिक्षा कैसे आ पाएगी, इलाज कैसे पहुँच पाएगा? और फिर यह नक्सलवादी गाँव वालों के पास जाकर इसी आर्गूमेंट की मदद से उनको भड़काते हैं कि देखो, तुम्हारी सरकार ना तो तुम्हें ज्ञान दे रही है, ना तुम्हारा इलाज कर रही है, और बस फिर क्या है, गाँव वालों को मजबूरन अपने बच्चों को इन नक्सलवादियों के साथ भेजना पड़ता है, ताकि वह अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होकर प्रदर्शन कर पाएँ। ऐसे में सरकार की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं कि सरकार अपना संदेश, सुविधाएं उन गरीब आदिवासियों तक नहीं पहुंचा पाती। ऊपर से वह सभी आदिवासियों को नक्सलवादी समझकर उनके साथ भयंकर रूप से हिंसा कर देती है, जिससे जो दूसरे आदिवासी लोग होते हैं उनके मन में सरकार के प्रति गलत छवि पैदा हो जाती है। और एक सरकारी पुलिस वाले की गई बदतमीजी का खामियाजा एक आदिवासी से लेकर पूरे देश को भुगतना पड़ता है। हालांकि आज नक्सलवाद सिर्फ देश के 15-16 जिलों तक सीमित होकर रह गया है, जो कभी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर आंध्रा के तिरुपतिनाथ मंदिर तक फैला हुआ था। और आजकल जो नक्सलवाद की घटनाएं हमें सुनने में आती हैं, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं, वह दरअसल नक्सलवाद का हमारी सरकार के खिलाफ रिएक्शन होता है। हमारी सरकार बड़े पैमाने पर इस नक्सलवाद को कमज़ोर करने में लगी हुई है और बहुत हद तक कामयाब भी हो चुकी है। अब बस कुछ जिलों में ही ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं जो आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जिन आदिवासियों के साथ उन्हीं के घर पे अन्याय होता है, उन आदिवासियों तक न्याय पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और यही एकमात्र इलाज है नक्सलवाद की सोच को ख़त्म करने का, क्योंकि अन्याय ही बगावत को जन्म देता है।